मैं चाहता वाह हूं कि इसमें बहुत ही सीमित बात की जाए। नंबर वन, राइट इसमें साहब, जो है, जो एक प्रोटोकॉल में जो मैं प्रोटोकॉल चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि शुरू में और अंत में सदस्य की शपथ साहब जो है ली जाए, राइट? साहब तो सभी लोग जो राइट है वो शुरू में भी और जब मीटिंग खत्म हो रही है उसके पहले सदस्य की शपथ लेंगे, और राइट शपथ साहब की सदस्य पूरी लेंगे, फुल पूरी। क्योंकि साहब जैसे अपन बार बार कहते हैं कि इन आज की राक्षसी व्यवस्था की जान तोते में है, तो साहब ये जो अपराध मुक्त भारत मिशन की जान जानते कहाँ पे है? कहाँ है? पैरा थ्री शपथ पत्र का पैरा जो थ्री सदस्य की शपथ के पैरा तीन में, साहब जो कह रहा है कि जो भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आएगा वो, साहब और जिसको हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त नामित किया जाएगा उस मेरिट लिस्ट के आधार पर, हम छत पर साहब चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और उद्घोष करेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, और राइट पोलिंग बूथ पर जाकर उसके नाम के सामने बटन दबाएंगे और उसकी पेपर ट्रेल को देख के जो दो शपथ की व्यवस्था है वो भी करेंगे। तो ये पूरी जान इसमें है। तो ये जैसे अपन जनगण मनहत राष्ट्रगान गाते हैं, उसी हाँ तरीके से हमें अपने शपथ का बार बार हर दिन चिंतन करना है। मतलब राइट साहब शुरू में और अंत में ये मैंडेटरी है। राइट साहब अब जो है अपन को दूसरा काम करना है, जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज पूछना चाह रहा है तो यदि साहब एकाध लाइन में जवाब है तो दे दिया जाए, नहीं तो उनसे राइट कहा साहब जाए कि इस बारे में आप क्राइम फ्री भारत के वीडियोस देख लीजिए और हम अब एक दिन फिक्स कर देंगे जिस दिन हम जो है गूगल मीट पे मिलेंगे, इस राइट पैनल पे सर नहीं मिलेंगे। क्योंकि गूगल मीट में ज्यादा लोग जो है पैनल पे आ सकते हैं, ज्यादा लोग वो कर सकते हैं, राइट? तो राइट सर गूगल मीट या जूम मीट, उसकी जो ना लिंक जो है वो आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में वहीं पे पेस्ट करके लोगों को बताएंगे कि इसके माध्यम से आप जुड़ पाओगे। तो राइट सर हमें पैनल का समय बचाना है। राइट सर अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कोई पर्चे बर्चे वाला कोई धंधा नहीं है, आप आइए अपना को इंट्रोड्यूस करिए, ये कोई कोई इसमें लफड़ा है ही नहीं, राइट? जिसको भी साहब इंट्रोडक्शन है वो अपने जो बातचीत करना चाहता है, अपना नंबर आप लेना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखता रहे, लेकिन पैनल साहब पे जो है वो काम की रिपोर्ट देने के लिए है, राइट? तो बिल्कुल साहब उसमें जो है एक ही काम करना है कि आपको ये बताना है कि भैया मैंने 24 घंटे में ये किया है और अगले 24 घंटे में मेरा ये प्लान है, राइट? साहब और इससे ज्यादा आपको एक चीज दूसरी ये बताना है कि साहब मैंने जो है अपने जानने वालों में से इतने लोग मुझे ऊर्जावान लगे जिनको मैंने पद के लिए रिकमेंड किया है, राइट? जिसको साहब पद के लिए रिकमेंड करना है उसके लिए ये चीज समझना पड़ेगी कि उसे जो है नंबर वन सहमति भेजना है। तो फाइनल क्या पद देना है वो निर्णय तो मैं लूंगा, ठीक है ना, लेकिन साहब जो भी वो पद चाह रहा है उसकी सहमति भेजना है कि मैं इस स्तर का ये पद जो है ना स्वीकार करता हूं और साहब सहमति देता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ जो है पदी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरूंगा, राइट? तो राइट इसके साहब सहमति के दो हिस्से हो गए, एक हो गया सहमति और दूसरा है कि आप आश्वस्त कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अपना यू विल डू देयर योर बेस्ट, राइट? अब राइट सर उसके बाद सबसे पहले उसे जो चीज भेजना है वो जो है उसकी क्राइम फ्री भारत की आइडेंटिटी कार्ड की फोटो, राइट? दूसरा राइट सर उसको अपना आधार कार्ड भेजना है, तीसरा उसे अपना वोटर कार्ड भेजना है, चौथा उसे अपना एक अच्छा सा फोटो भेजना है, क्योंकि एक तो पद हम यहां दे देंगे, राइट उसके बाद जो है एक बड़ा सा अपॉइंटमेंट लेटर, एक इस पद से हम क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं और एक आइडेंटिटी कार्ड वो अलग से जारी सर किया जाएगा। अभी वो व्यवस्था बन रही है, अभी बन नहीं पाई है, हो सकता है 15-20 दिन लग जाए उसमें, ठीक है ना, राइट लेकिन राइट एक सर और आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा।
राइट। राइट सर। तो ये तो इसी सिस्टम का ऐप के द्वारा जारी किया गया है, वो अलग से भी जारी होगा, राइट राइट सर। तो इतना काम करने पे उसको पद दिया जाएगा। पद देना बहुत जरूरी है, आपको समझना है कि पूरे उसमें जैसे राज्य स्तर है, संभाग स्तर है, जिला स्तर है, उप संभाग स्तर है, ब्लॉक स्तर है, टाउन का स्तर है, गांव का स्तर है, पोलिंग बूथ का स्तर है, और दो जो है राजनीतिक स्तर भी है, एक है सांसद क्षेत्र स्तर और दूसरा है विधायक क्षेत्र स्तर। अगली बात समझे, इतने स्तर पे हमें 37-37 लोग करना है। तो चूंकि अध्यक्ष का पद हम अब किसी को नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष बाय प्रमोशन बनाएंगे काम के आधार पर, राइट सर, क्लियर। तो जो लोग हैं वो उनमें से जो है अपन को 5 जो है उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति बनाना है। तो हमारी पूरी एनर्जी इसमें जाना चाहिए कि हम संगठन खड़ा करते हैं, राइट। और फिर उनको ये समझाना है कि आपको जो है वीकली जो है ना मीटिंग करना है अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और वहां पे एक रिपोर्ट बनाना है कि 7 दिन, पिछले 7 दिन में आपने क्या किया और अगले 7 दिन की क्या योजना है। यदि आप तो ये सब काम करना है कि साहब ये है, मैंने पेपर अपलोड कर दिया, मेरा ये योजना है, ठीक है ना। अब तीसरी बात है लोगों को जोड़ने की। तो लोगों को जोड़ने का तरीका ये है, या तो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां पे लोग बाग इकट्ठे हैं, या जैसे मान लो यदि हम स्टूडेंट से करना चाहते हैं तो हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं, हॉस्टल्स में जा सकते हैं, राइट राइट सर। इसी उन्हीं जगह पे हमको शिक्षक भी मिल जाएंगे। किसानों में जाना है तो किसानों की जहाँ बैठक होती है वहां जा सकते हैं, पंच सरपंचों के ग्रुप बने हुए हैं उनकी बैठक होती है तो उन वहां जा सकते हैं। ये हो गया है 21 विधाओं वाला, राइट। कि हर विधा से जो लोग, जैसे अर्जुन करिए कि मजदूर है, तो मजदूर जहां पर सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं जहां से लोग बाग उनको ले जाते हैं, हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं और जो भी समय है वहां पे थोड़ा सा एड्रेस करके लोगों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, एक जगह सब मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम आलो सिलम एरिया में पहुंचे, राइट। और उनको ये चीज पहले जो है ना वो वीडियो उनको जरूर सुनाना चाहिए कि उनका जिंदगी कैसे बदलने वाला है, उनकी आमदनी 10 गुना बढ़ने वाली है, उन्हें जो है अब सिलम एरिया में नहीं रहना पड़ेगा, राइट। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कहना है कि हमने ऐसा करके रखा है, आपको ये कहना है क्योंकि आपने करके रखा नहीं है, अध्यक्ष जी ने मॉडल बनाए हैं। तो ये जिम्मेवारी आप अध्यक्ष के ऊपर सौंपिए कि हमारे अध्यक्ष जी ने इस तरीके का करके रखा है, ऐसा होगा, राइट। और वो जो है जो हमने घोषित किया है उससे हटके कोई बात नहीं बोलना, बिल्कुल सर। क्योंकि उस चीज के लिए हमने मॉडल डेवलप किए हुए हैं, वो हमारा कमिटमेंट है कि हम करके दिखाएंगे, राइट। जैसे हम कह रहे हैं कि किसानों का जो है आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और जो अभी रासायनिक विष है उससे मुक्ति मिल जाएगी, आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, हमारा कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट है कि आपका सब हो जाएगा। जैसे हमारा कमिटमेंट है कि आपका जो है चेक बाउंस नहीं होगा, जैसे हमारा कमिटमेंट है कि आपको ऋण नहीं लेना होगा, आपको आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो है अपने आप पैसा मिल जाएगा। और आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सिस्टम के लोग आपको जो है ना आके आपकी मदद करेंगे। अभी सिस्टम के लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर छापा मारते हैं, आपका अकाउंट सीज कर देते हैं, तो वो आपको दिवालिया बना देते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं। तो इस सिस्टम में सभी की जिंदगी बदल रही है। ये दुष्ट राजनेता क्या कर रहे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, इससे जो है कोई समृद्ध नहीं बन सकता है। और दूसरी बात है कि अपने जेब का नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात है कि जैसे इनके पास लाखों करोड़ों का जो है ना कर्ज है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। बिल्कुल, कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसपे 3 लाख से कम का कर्ज होगा, कर्ज है। अब आप ये बताइए कि यदि मान लो 1.5-2 करोड़ और बांट देंगे, 2 लाख करोड़ और बांट देंगे, तो आप बताओ 4 से 5 या 6 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, उसकी जो है इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी होगी। लेकिन इन दुष्टों को कुछ लेना देना नहीं है, इन दुष्टों को तो एक ही करना है, हम कैसे सत्ता में आ जाएं, फिर जो होगा होता रहेगा। ये बात सही है कि नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमें जो है अपने अलग से देखिए, आपको यही एक ही काम करना है। जैसे ज्यूम करिए कि एक मोबाइल है और एक एमबीए लड़का जो है ना जाता है, तो वो क्या कहता है कि भैया देखो ये चीज नई चीज हम प्रोडक्ट बना के लाए हैं, इससे आपके ये काम होंगे होंगे, आप इसको लेना चाहेंगे तो आप ले लेते हैं। तो वो कहीं कहता है कि मैं फलाना फलाना एमबीए हूं या फलाना, अपने आप को नहीं बेचता है, वो किसको बेचता है, प्रोडक्ट को, सामान को, सामान को। तो यहाँ पे आपका सामान क्या है, क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत, बिल्कुल राइट। और दूसरा जो है पार्ट उसका, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है कि आपकी 21 विधाएं जिसके तहत आप उन्हें जिम्मेवारी दे सकते हैं। तो एक आपने प्रोडक्ट बेच दिया, फिर कहा भाई साहब आपके अंदर एनर्जी है, क्या इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप पद भी ले लीजिए। ये दो काम करना है और इसी की समीक्षा करना है। यदि किसी को क्राइम फ्री भारत और कोई उसके बारे में समझना है तो उससे कहिए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देख ले, या एकाध कोई छोटी मोटी एकाध दो लाइन लाइक कोई बात पूछता है तो उसका जवाब दिया जा सकता है। बाकी कहिए कि साहब आपको जो है ना हम लिंक भेजते हैं, आप उस तारीख को जो है अध्यक्ष महोदय जो है गूगल मीट पे मिलेंगे, आप उनसे अपना प्रश्न भी रख सकते हैं और वो उसको विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल सर। तो वो मीटिंग यदि 1 घंटे चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, कोई चिंता नहीं, राइट सर। तो उसमें हमारा समय लगेगा लेकिन पैनल का कुछ नहीं होगा। पैनल का काम केवल इसको रिव्यू करने का है और कोई भाषणबाजी नहीं की जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है ना भाई। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनका भाषण से क्या फायदा है? बिल्कुल नहीं, कुछ फायदा नहीं, ठीक है ना। हाँ, उसमें आप क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में जो हमारे वीडियो मार्गदर्शी वीडियो हैं उसको पहचान के वहां उसकी लिंक पोस्ट कर दीजिए और उसमें रिक्वेस्ट करिए कि साहब इस वीडियो को आप सुन लीजिए तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, या इन 3 वीडियो को देख लीजिए। तो वो आप वहां से कॉपी करके उसी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। आपको मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है सर। हाँ, और उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि साहब हमने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर लिया है, इस मीटिंग के बाद आप उसे सुन लीजिए, और इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो अध्यक्ष महोदय वो आपको जो है संडे के संडे जो भी अपन तय करेंगे वो उनको बता दिया जाएगा कि उस तारीख को जो है ना आप जो है गूगल मीट में जुड़िए और विस्तार से अपनी बात भी करिए और अपना परिचय उस समय परिचय भी दे पाओगे, सब कुछ भी कर पाओगे। क्लियर? राइट। तो ये जो रिव्यू बैठक है ये परिचय बैठक नहीं है। बिल्कुल सर। क्लियर? और अधिकांश लोग जो जुड़ रहे हैं वो मुझसे पहले ही विस्तार में बात कर चुके हैं, काफी लोग मुझसे विस्तार में बात कर चुके होते हैं। राइट सर। जिनसे मेरी बात होती है उसे मैं अपलोड भी करता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मार्गदर्शी सिद्धांत है, इनका सभी लोग पालन करें जो भी पैनल पे बैठा हुआ है, और जो इवन पैनल में अपनी बात कहने आ रहा है उसको फुर्ती से 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहिए। यदि मान लो कोई वो इसके बाद अलग भी कोई एक आध कोई बात कहना चाहता है, सुझाव वगैरह भी वहां ना दिए जाएं। क्यों ना दिए जाएं? सुझाव वो आप हमको दीजिए ना, उस पैनल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो डिसीजन मेकर नहीं है, तो उसको क्यों सुझाव दे रहे हो? बिल्कुल सर। जब आपके पास सीधे एक्सेस है तो चाहे सीधे फोन करके जो है ना सुझाव दे दीजिए, या आप जो है जब गूगल मीट पे बात करेंगे उस समय सुझाव दे दीजिए, राइट है ना। ये यदि हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अनावश्यक गलत आश्वासन किसी को नहीं देना है। राजनेता नहीं बनना है, दुष्टता हमें नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने आप को स्पष्ट कर दिया ना? बिल्कुल स्पष्ट कर दिया साहब। लेकिन हम साहब कुछ मिलता जुलता हम अपने तरफ से जो हमारे किस थ्योरी में जो आ रहा है उससे हमारा उस प्रोडक्ट नहीं। यदि आप यदि आप उसे कहना चाहते हैं तो पहले मेरा अनुमोदन प्राप्त करिए। राइट सर। अपने मन से मिलता जुलता आप नहीं कह सकते हैं। जानते क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उसमें वो एक रूपता नहीं रहेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यदि आप कुछ जैसे आपने अभी योगा का कहा, हमने कहा भैया इसको योगा योगा से हटाइए। क्यों? योगा के लिए 2500 चल रहे हैं, इसको जो है ना जनरल बॉडी मत बताइए, ये बहुत फोकस काम है। अभी दिसंबर में आपको मध्य प्रदेश जीतना है, तो आप ऐसे नहीं जीत पाओगे ना। नहीं, सुबह 6 से 8 बजे का टाइम साहब कोई नहीं है।
मेरा ये कहना है कि हम दिग्भ्रमित ना करें, लेट्स नॉट बिकम द जनरल पर्पज। आप लोगों का भविष्य बदल रहे हैं, उसी पे फोकस बने रहो। राइट सर, और यदि बाद में लगेगा कैसा करना ठीक रहेगा तो एक आध सप्ताह बाद अपन फिर से विचार कर लेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि हमें पूरी एनर्जी संगठन को खड़ा करने में लगाई। यदि आप 25 जगह एनर्जी लगाएंगे तो उतनी एनर्जी जो है ना लोगों को बात करके, भैया तुम जो है ना मैं आपका नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ इस काम के लिए, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। देखिए अभी लोगों ने नाम ही प्रस्तावित नहीं किए, यही बात मैंने अफसर साहब से भी कही कि आपने बताइए क्यों नाम प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए आप लोगों को यदि पद दिलाएंगे तो आपका पद कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल साहब। तो अपना कद क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? और संगठन खड़ा होगा तो आप उसकी जो है ना रिव्यू बैठक भी रखिए, अकेला पैनल पे नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप गूगल मीट पे जो है ना उनकी बैठक करिए। चलिए साहब अभी गूगल मीट को भी चालू करते हैं। हाँ तो मेरा मेरा उसमें यही कहना है ललन जी कि हमें मिलती जुलती बातें नहीं करना है, राइट। और यदि यदि आप कुछ सारगर्भित चीज बता रहे हैं तो पहले मुझसे चर्चा करिए, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि हम अपनी उद्घोषणा में उसे शामिल कर लेंगे। राइट सर, मतलब दैट विल हैव ए प्रॉपर अथॉरिटी फ्रॉम द अध्यक्ष, क्योंकि देखो इनके मॉडल्स डेवलप्ड हैं, हमें जो कुछ मुंह से कहना है उन्हें चंद महीनों में जमीन पे उतार के दिखाना है। लिहाजा ये कोई राजनेता का चक्कर नहीं है, ये नियम कानून सब बदलने वाले हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी, इसे कंपनसेशन देना होगा। आपको मालूम है शासकीय सेवा में जो लोग हैं उनकी गुलामी खत्म होने वाली है, शासकीय सेवा में जो लोग हैं उनकी ACR बॉस नहीं लिखेगा, राजनेता भी नहीं लिखेंगे, उनकी ACR जो है उनके काम से एक्सट्रैक्ट की जाएगी ऑटोमेटिकली। राइट सर, और उसी के आधार पर पदोन्नति और पदस्थापनाएं होंगी। तो जो है आप ये बताइए आपका जो अभी जो नौकरी में जो गुलामी है, हम मुश्किल से 5 या 7% काम जो है ना काम में लगाते हैं, 80-85 का जो है ना फालतू के काम करते हैं, चंचागिरी करते हैं, ये करते हैं, राइट। और कई बार जो है मन को जो है कुंठित करके हम इन दुष्टों के आदेश मानते हैं, और जब हमें मालूम है कि भ्रष्ट भी है और बेईमान भी है, लेकिन इस डर से कि वो नुकसान पहुंचा देगा आपको जो ना वो सब सहना पड़ता है। बिल्कुल। आप ये बताइए इसी में यदि कंडक्ट रूल में हम संशोधन कर देते हैं और उस कंडक्ट रूल के हिसाब से यदि आप जो है यदि कोई ऊपर गलत निर्णय हुआ है और उसको आपको रिव्यू को सबमिट करना आपके कंडक्ट रूल की जिम्मेवारी होगी, अन्यथा आपकी इसी बात पे डी हो सकती है कि आपने इसको रिव्यू के लिए क्यों सबमिट नहीं किया। तो बताइए आपके बॉस कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो देश आपकी पूरी एनर्जी काम पे जाएगी कि नहीं जाएगी, जिससे आपका जो ना पदोन्नति होने वाली है, जिससे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो आपकी पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? काम में जाएगी, काम पे जाएगी। राइट। और जो अभी वेतन मिल रहा है ये मिनिमम वेतन है, आपके हर जो आप काम करोगे उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी आपको, एक नया कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू स्ट्रीम का। और जो आपका अभी का वेतन है, जब आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम उसके आगे निकल गई तो वो आपको एडिशनल अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा। तो लोगों को जो आज वेतन मिल रहा है इसे दुगना दुगना तिगना तिगना वेतन मिलेगा, और सबको बराबर वेतन नहीं मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा वेतन मिलेगा। तो देखो आपने काम किया तो वेतन ज्यादा, राइट, वहां आपका जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स में आ गया तो आपकी पदोन्नति और जो है ना पोस्टिंग भी आपकी प्रेफरेंस की मिलेगी। तो आप बताइए आप बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ भिड़के काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। आप किसी की फाइल रोकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फाइल रोक दिया तो आपको कंपनसेशन और देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो हमें सिस्टम में इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव रखना है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वो आपके सोच और चिंतन का विषय नहीं है, लिहाजा उसके पैरेलल मॉडल मत किसी से कहिए आप। यदि आपके दिमाग में कोई अच्छा सुझाव आता है तो
तो सबसे पहले मुझसे शेयर करिए, और यदि वो मुझे जमेगा तो मैं उसे अपने अध्यक्षीय उद्घोषणा में सम्मिलित कर दूंगा। राइट, एक बार वो अध्यक्षीय उद्घोषणा में आ गया तो फिर जो है ना आप उस पर कह सकते हैं फिर। बिल्कुल साहब, ठीक है ना साहब, कोई कोई व्यवस्था कीजिए कि आप ये मीटिंग में कोई नहीं, नहीं मैंने अभी निर्णय लिया है कि इस मीटिंग में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैंने ये निर्णय लिया है कि हम लोगों के लिए डेडिकेटेड मीटिंग करेंगे ना, वो ये पैनल वाली बैठक नहीं रहेगी, उसमें लोग डाउट के लिए, सुझावों के लिए और बाकी चीजों के लिए उससे जुड़े। और इसमें तो जो है ना 6 लोग आते हैं, उसमें तो जो है ना अनलिमिटेड लोग का भी 150 लोग भी आ सकते हैं। तो गूगल मीट का ये गूगल मीट तो हाँ 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 हाँ, या हम बहुत सारे सेशन जो है यूट्यूब पे लाइव करेंगे। अब राइट साहब, पटना भी पहुंच रहे हैं साहब, है पटना पहुंच रहे हैं, क्या हो गया, पटना पहुंच रहे हैं आप? हाँ हाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा साहब, हमारी मजबूरी है, हम शामिल नहीं हो पाएंगे, राकेश बता रहा था। हाँ हाँ, अभी तक तो उसको हम नेगेटिव नहीं बताए हैं, बोले चलो आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में है, हम नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे साहब, सोने में सुहागा हो जाएगा बिहार के लिए। हाँ, ये बेसिकली आपने अभी शायद वो मेघा से शायद अभी वीडियो बना नहीं है उसका, नहीं तो जो हम लोग की वार्ता हुई है उसकी वीडियो भी बने बन के एक आध दिन में अपलोड हो जाएगी। राइट सर, ठीक है, चलिए तो आप इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं। राइट, थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।